हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। चल रही है क्लास CUET मैथ्स 2024 को टारगेट करते हुए, और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इनके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी बच्चों का क्लास में स्वागत है। आइए आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे हम आज की क्लासेस में क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये है हमारा जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, इसके पहले यहाँ तक हमने कर लिया था। यस, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को सभी को समझ में भी आ गया था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है आज का हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ई एक्स की पावर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और कंडीशन दिए है वाई जीरो इक्वल टू वन। तो कह रहा द वैल्यू ऑफ एक्स ई क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एक्स ई क्या होगी। ओके बच्चों, तो देखो भाई साहब, इसको समझने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं और चलता हूं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका सोल्यूशन क्या है। पहले भाई क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ओके, चलिए ये बच्चों देखिए क्या कह रहा है। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, तो पहले भाई क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, तब तो समझ में आया क्या है। y मल्टीप्लाई ई की पावर x अपॉन वाई, ओके, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई है। ओके, कंडीशन क्या दी है, इसको बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं। y जीरो इक्वल टू वन, और आपसे x e की वैल्यू पूछी गई है। एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये जो हमसे सोल्यूशन पूछ रहे हैं वो x का e पर पूछ रहे हैं। मतलब मन पहली चीज़ बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा वो dx एक्स बाई डी वाई के टर्म्स में बनेगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, x होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। ओके, तो हम dx एक्स बाई डी वाई की में बनाना शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हम dx एक्स बाई डी वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो या तो dx एक्स बाई डी वाई में या dy वाई बाई डी एक्स में, दो में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ से dx को अलग कर लिया और dy को मैं नीचे ले आता हूँ इधर से। ओके, ये नीचे आ गया। सो dx एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, y आ रहा है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, y आ रहा है। और यदि मैं x y यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो y e की पावर, एक मिनट को छूट रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ देखिए y e की पावर x अपॉन e की पावर x y y है, y e की पावर x y y है, ये चीज़ें हैं। ओके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक ना, ये हमारे पास किस फॉर्म में बन चुका है, ये हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में बन चुका है। अब यदि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई और अपॉन वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, मैंने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई। गाइस, वाई से वाई कैंसिल हो गया। ओके, और e की पावर x बाई वाई से e की पावर x बाई वाई भी कैंसिल हो गया है, है ना। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, x अपॉन वाई प्लस ऊपर बचा है y और नीचे e की पावर x बाई वाई, ये चीज़ें बची हुई है, ठीक है ना। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई, देखिए क्या इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स था और ये हमने यहाँ पर ले आए। अब आपको पता है कि होमोजीनियस है। ओके, कैसा फंक्शन है ये, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फंक्शन में हमको क्या करना पड़ता है,
हमको सपोज करना पड़ता है y इक्वल्स टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई, ऐसा हमें कुछ सपोज करके चलना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा हमें ले करके चलना पड़ता है। ठीक, ओके, तो बच्चों यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें इसके आगे इस क्वेश्चन को लेकर के जाना है। तो देखिए यहाँ पे x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या पुट करूँगा, x इक्वल टू वी वाई, जिसको आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू x अपॉन y, मतलब जहाँ पर x अपॉन y है वहाँ पर क्या हो जाएगा, v पुट हो जाएगा। ओके, तो dx एक्स बाई डी वाई निकालो लगे हाथों, तो dx एक्स बाई डी वाई यदि हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन v है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन y और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी वाई। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, v हो गया, प्लस y अपॉन e की पावर v हो गया, ये ठीक है ना, बिल्कुल सही आ चुके हम। यहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर बन चुकी है, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हम आ चुके थे, ये यहाँ तक हम आ चुके थे, ओके, पुट कर दिया हमने, तो क्या बन गया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू वी। सो v से v कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बच गया, वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ई की पावर v, ठीक है ना। सो ये देखिए ये बचा था आपके पास, तो y इधर से भी कैंसिल से कैंसिल हो गया, तो कुल आपके पास e की पावर v डी वी ले जाइए और डी वाई इधर बचेगा, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो e की पावर v y प्लस c, आंसर कितना आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर x अपॉन y इक्वल टू वाई प्लस सी। बट देखो आपको आंसर क्या मांग रहा है, एक्स ई मांग रहा है, तो आप बेटर है कि आप लॉग ले लो। देखो ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी है, ठीक है, तो ये तो आपका जनरल सोल्यूशन हो चुका है। और आपसे क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या दी है, वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन, वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू वन, मतलब कि जिस समय वाई ज़ीरो है उस समय वैल्यू कितनी है, वन है, वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू कितना है, वन है, ये भी कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम इससे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू वन, मतलब वाई ऑफ ज़ीरो मतलब कि जिस समय एक्स की वैल्यू ज़ीरो है उस समय वाई की वैल्यू वन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रूफ करिए अपने, ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हो, ई टू द पावर जीरो इक्वल टू वन प्लस सी, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू जीरो आ गई, सी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू y, ओके, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग लेने से e कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन y इक्वल्स टू लॉग y, x इक्वल टू y लॉग y, आपको वैल्यू किस पे चाहिए थी, x की e पर, सो द वैल्यू ऑफ x एट e, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, e लॉग e, क्या हो जाएगा, e लॉग e, देयरफॉर जो वैल्यू आ रही है आपकी x इक्वल्स टू e पर वो कितनी आ रही है, e आ रही है, ओके, सो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, डी ऑप्शन पे देखिए मैंने टिक लगा रखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा e। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये है, e की पावर मॉड x, ओके, माइनस वन से लेकर के वन में आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर मॉड x dx, ओके, तो आप लोगों ने पता होगा कि मॉडुलस के फंक्शन को हम कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमको मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना है। थोड़ा सा मैं पेन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ तो बढ़िया दिखे, ओके नाउ इट इज़ फाइन। सो देखिए मॉडुलस फंक्शन जो होता है आपको पता है कि जीरो पर ब्रेक होता है ना, और ये लिमिट कहाँ से जा रही है, माइनस वन से लेकर के प्लस वन, तो एक क्या बनेगा, माइनस वन से लेकर जीरो, और माइनस वन से लेकर जीरो में फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स, और इसमें प्लस एक्स, बस अब क्या है, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट माइनस वन से जीरो और इसकी जीरो से लेके वन, बस अब कुछ नहीं है, आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, तो आपका आंसर कितना जाएगा, टू टाइम्स ई माइनस वन, टू टाइम्स ई माइनस वन, ये देखो भाई ऑप्शन नंबर डी है, ओके, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मेरे करने लायक है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, ये लो भाई साहब, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, एकदम है ना, देखो देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है ना, सो पी ए इंटरसेक्शन भी ये निकालना है आपको, तो इसको उधर उधर कर दीजिए और ये फार्मूला तो आपको आता होगा। अब ये देखो यार, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है, प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसको समझो ये क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस देन द वेरियंस ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आपको वेरियंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वेरियंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर पी एक्स आई है ना, एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स मैं लिख देता हूँ भाई साहब, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है समेशन, समेशन
एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये होता है इसका मतलब। इसको सबको आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन जो है इसमें अननोन वेरिएबल जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैं लिख दूँ भाई थोड़ा सा, ये है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है पी एक्स है, तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल के है, तो के लिए आप इसको क्या, आप जानते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती, तो सबको जोड़ के कितना 0.1 और 2 के 3 के 4 के 4 और 2 6 के, तो 6 के प्लस 0.1 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 0.9/6 आ गई है, बिल्कुल सही है 0.9/6 आ चुकी है। ओके अब अपन ई एक्स निकालते हैं, तो ई एक्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ई एक्स का मतलब देखो 0 इंटू 0.1 प्लस 2 के इंटू 1 कितना हो गया 2 के, फिर अगला भी 2 के, फिर अगला 3 के, फिर कितना हो गया 8 के, तो आपके पास टोटल कितना आ गया, ये हो गया 15 के। ओके 8 3 11 12 13 14 15 के, 15 के और साथ में 0 इंटू 0.1 0 ही हो गया, खेल खत्म हो गया, मतलब कुल मिला के 15 के। सो 15 के देखो 15 इंटू दिस, के की वैल्यू 0.9/6 सॉल्व कर लिया भाई 4.5/2। ओके इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लो, तो 4.5/2 को सॉल्व करो 20 बन जाएगा, नीचे आ गया कितना 9.9/4, मतलब जो ई एक्स है आपका ये कितना आ चुका है 9/4। ई एक्स का होल स्क्वायर बाद में रखेंगे। चलो अब क्या बारी करनी है, अपन को एक्स स्क्वायर निकालना है। ओके एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, और इनमें सब में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो तो एक्स स्क्वायर, अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स है, तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा। ओके फिर क्या हो जाएगा, इधर लिखा होगा, एक सेकेंड, चलिए मैं ही कर देता हूँ, कोई नहीं। तो ये तो है, अब अपन को ई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो चलो 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 के, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 इंटू 2 के कितना हो गया, 2 के ही हो गया भाई साहब। चलो प्लस अगला 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के मतलब 4 के हो गया, फिर कितना 3 का स्क्वायर हो गया 9 के, और फिर कितना हो गया 16 के, तो 16 9 25 25 और 4 कितना हो गया 29। ओके 29 और कितना 2, कितना हो गया 29 और 2 31 31। ओके सो एक बार फिर से देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हुई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हुआ करता है, एक्स स्क्वायर ई एक्स इक्वल टू देखो यहाँ पे कितना ये कर रखा है, तो 0 इंटू 0.1 गया, फिर यहाँ पे 2 के आ गया, यहाँ पे 4 के आ गया, यहाँ पे 9 के आ गया। ओके मैंने गलती कर दी भाई, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 2 के है, तो ये 32 आएगा। ओके 32, हाँ बिल्कुल सही, ये 2 के है ना, ये भूल गया था मैं 2 के, तो 32, तो 32 प्लस 9 कितना हो गया 9 2 11 41, 41 प्लस 4 45 प्लस 47 आ गया, मतलब टोटल ई एक्स स्क्वायर कितना आ गया 47 के। ओके और के की वैल्यू पुट कर दो तो कितनी है 0.9/6, तो 47 इंटू 0.9/6 और कितना माइनस का 9/4, सॉल्व कर लो आप इसको, ठीक है ना, काटा कुटी मचा दो जो भी होना, इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा 9/4 आएगा। ओके तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया क्वेश्चन है, अभी CBSE के सिलेबस में पहले था बट कोविड से बाद में हट चुका है सिलेबस में, इसलिए कुछ नया लगेगा आप लोग को। ओके सो ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेज क्वेश्चन, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 4x + 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये आपके सामने कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, तो 2x + 3y < 28 ये आपने ड्रॉ कर लिया, देखो भाई 2x + 3y < 28, तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। ओके देन दूसरा क्या है अपने पास, x + y 10, तो x एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब आपके पास देखो लेस देन है, तो फिजिबल रीज़न आपके पास बनेगा ये बनेगा। ओके चार पॉइंट आपके पास मिल गए, चारों पॉइंट पे एक है क्या, 0.0, 0.28/3 and 2/8, इसको दोनों को सॉल्व करके 2.8 निकाल लिया, तो चारों पॉइंट पर अपन ने वैल्यू निकाली, और चारों पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है क्योंकि मैक्सिमाइज निकालना है, तो कितनी आ रही है 40 आ रही, तो करेक्ट आंसर कह रहा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 40। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक टाइप का, यार कुछ बताने का है ही नहीं इसमें, लियो भाई साहब आ जाओ क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, सिमेट्रिक है, वन वन है, बाइजेक्टिव है, इक्विवेलेंस है, ठीक है ना। तो इसको देखिए एक मिनट, बताइए क्या है, चलिए आइए देखते हैं, कह रहे हैं इफ़ एक्स, फर्स्ट है कि आर रिलेशन है एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट इन द सेम स्कूल, तो अगर एक्स और वाई सेम स्कूल के हैं तो वाई और एक्स भी क्या होंगे, सेम स्कूल के होंगे, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कह रहा है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो
ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है इसमें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है ना। तो देखिए ए सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही बात है, तो मुझे ए का फर्स्ट लग रहा है, मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए का फोर्थ में क्या, इक्विवेलेंस, ओके ए का फोर्थ में है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। इफ़ एल वन एल टू, एल वन इज़ परपेंडिकुलर टू एल टू, देन एल टू इज़ परपेंडिकुलर ऑन एल वन, एल वन इज़ परपेंडिकुलर टू एल टू, देन एल टू इज़ परपेंडिकुलर ऑन एल वन, ठीक है ना। यस, देखिए बी का जो है ऑप्शन जो है सेट कर रहा है पहला वाला, बी का ऑप्शन जो है पहला वाला सेट कर रहा है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट सेट कर रहा है। तो बी के फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं, तो बी भी सपोर्ट कर रहा है फर्स्ट वाले को, सिमेट्रिक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, ओके। थर्ड देन है सी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट जो है 2-3x जो है वो कैसा है, 2-3x जो है 1-1 दिख रहा है, 2-3x कैसा दिख रहा है, 1-1 दिख रहा है, मतलब सी का ऑप्शन नंबर जो है, सी का ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन है। देखिए ए फोर्थ के साथ जाएगा क्योंकि कंडीशन पूरी इसकी सेटिस्फाइड है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगा। मतलब ए चला गया किसके साथ, फोर्थ के साथ, बी चला गया किसके साथ, फर्स्ट के साथ, और सी चला गया किसके साथ, सेकेंड के साथ, है ना, ठीक है ना। तो बस अपन को इतना ही करना था, तीन मिल गए, बाकी तो किसी में तीन मैच नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके बाद चौथा डी वाला है कि 0-1 से लेके क्या कह रहा है, ये मतलब ये वाला जो एक बन गया बाइजेक्टिव, है ना, बाइजेक्टिव, तो आप जानते हैं ना इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव, यानी 1-1 on 2। तो ये 0 से लेके 1 में से लेके R में 0-1, मतलब जो डोमेन दिए है 0-1 से लेके R में 1-1 on 2 होगा। तो इसका आप ग्राफ बना लो 1+x² का, तो 0 से 1 में ये जो है आपका वाकई में क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ओके। तो ये भी सही है, तो फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट सही है, इसलिए ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका बच्चों, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ बताने को है नहीं है, सिंपल सिंपल है, देख लो 5/3 आंसर, खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन एकदम। चलिए अब देखो भाई साहब, यहाँ पे रेंज और डोमेन पूछी गई है, किसकी क्या रेंज है, किसकी क्या डोमेन है। तो ये तो आपकी साइन इनवर्स एक्स, तो ये देखिए इसमें जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ है, तो चारों में फोर्थ, दो में फोर्थ है, मतलब इन दोनों में ही सही है। और टेन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, ये होती है, तो फर्स्ट का फोर्थ, बी का, बी का कितना हुआ करता है, बी का सेकंड हो जाएगा। देखो फर्स्ट का फोर्थ, बी का सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है भाई साहब, दिख गया, कुछ है ही नहीं करने को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद देखिए इजी क्वेश्चन है, कह रहा कि ए इतना है, तो आपको देखिए ये ए दिया, तो आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आता है, आई आता है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, आई आ जाए। ये देखो 0-1-0, 1-0-0-1, सेकेंड ऑर्डर का आई आ रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना आएगा, तो आप करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, ओके। सो सिंपली आई भी लिखा है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। चलिए अब एक नई चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखो कह रहा है एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना आता है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, याद कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, एन माइनस वन, ये हुआ करता है। एन क्या है, ऑर्डर है, एन क्या है, ऑर्डर है। सो यहाँ पे कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1, बोले तो डिटरमिनेंट ए की पावर 2 हो गया, डिटरमिनेंट ए की पावर 2 हो गया है, ओके। बाकी अब रूल की बात करता हूँ, एक बढ़िया रूल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो भाई सब ये लिखा है ऊपर, डिटरमिनेंट ऑफ निकालना है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ कितने बार है, एडजॉइंट आर बार है, कितने बार है, आर टाइम्स, कितने बार है, आर टाइम्स, ओके। तो भाई याद रखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर माइनस वन की पावर आर की पावर ऑर्डर, ऑर्डर में से एक माइनस करके पावर आर। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट कितने बार था, एक बार था, तो इस 2 की पावर कितनी बनती, 1 बनती, तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली यही लिख दिया,
ओके सो फिर से मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन ओके की पावर आर, इस आर को मत भूलना, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की पावर आर। एक गजब वाली शॉर्ट ट्रिक है भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक है, इसको बार बार रिपीट करो, बार बार इसको पढ़ो। ओके थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे भी लिख देता हूँ, देखिए क्या था अपन ने बताया, शॉर्ट ट्रिक है ये, क्या बताया मैंने आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट कितने बार, आर बार एडजॉइंट, और फिर फाइनली ए का डिटर्मिनेंट, सारणिक हिंदी में बोलते हैं, तो ये कितने बार रिपीट हो रहा है, आर टाइम्स, ओके आर टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपके पास में इसका आंसर क्या बनेगा, आर टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो आपके पास इसका आंसर बनेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर ऑर्डर माइनस वन की पावर आर, ऑर्डर माइनस वन यानी क्या है, ऑर्डर है, जानते ही हो यानी क्या है, ऑर्डर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ भाई साहब इतना ईजी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, सबसे बनता है ना, 3D का क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग कर चुके हो, कई बार करा चुका हूँ मैं अपनी लाइव क्लासेस में। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आई जे के, भाई साहब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, फिर जे के बाद ऑर्डर टूट गया तो माइनस वन, फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो देखते ही करने वाला क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। हाँ चलिए अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन एल पी पी दिस 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 एंड जेड इक्वल टू टू एक्स ऑब्जेक्ट देन द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, सीधे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कर लेना, निकाल लेना, तो ये क्वेश्चन आपके खुद के लिए होमवर्क है, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस, तो भैया पैरेललोग्राम का एरिया डायरेक्टली कितना होता है, ए क्रॉस बी, ओके ए क्रॉस बी होता है डायरेक्टली, तो सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं इसमें, एक्स इक्वल टू इज़ ए यूनिट वेक्टर, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, फिर से खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल आपको देखो आराम से कर लोगे, है ना। अगला ये देखिए जी, अब इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा इंटीग्रेशन किसका है, तो आराम आराम से आपको इसमें इंटीग्रेशन करते जाना है और ये मैच कर जाएगा, ठीक है ना, आराम आराम से आपको इंटीग्रेशन करना है, 1/1 मैच करना है, और धीरे 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 करके आप जो है इंटीग्रेशन आप जो है इसके मैच कर लो, ठीक। तो पहली चीज़ ये पकड़ो कि यार जो ईजी हो, पहली चीज़ ये पकड़ो कि जो कि ईजी हो, जैसे मेरे को बी वाला पॉइंट दिख रहा है, जो ईजी अपन वो पकड़ के चले ना, क्यों मेहनत खराब करें, टाइम खराब करें। तो e की पावर लॉग, e से लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच गया, ऊपर रूट एक्स और नीचे कितना एक्स, मतलब कि कितना आ गया, ओनली 1/√x, बोले तो x की पावर -1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2+1/-1/2+1, तो ऊपर कितना आ गया, √x/1/2 यानी कि 2√x, तो लियो भाई साहब b का फर्स्ट आ गया है, b का फर्स्ट, तो b का फोर्थ गलत है, b का सेकंड भी गलत है, b का सेकंड, ओए भाई साहब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में मिल गया, बिना कुछ करे आपको आंसर आ गया, है ना मजे की बात, बिना कुछ करे आपने आंसर कर लिया है। दूसरा चलो इसको बता दूं, इसको कैसे करोगे, फर्स्ट वाले को करने के लिए क्या करना है आपको, 1/ आप रूट एक्स कॉमन ले लो, तो ये कितना बन जाएगा, √x+1, अब इसके बाद आप इसको टी ले लेना तो dt बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये, तो रूट एक्स को टी ले लो, बहुत आराम से हो जाएगा, और 4 कॉमन लेकर के 4 बाहर लेके x²-a² की फॉर्मेट बन जाएगी, तो ये भी आसान है, ओके चलिए। हाँ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वूज जनरल सोल्यूशन इज दिस, तो भाई साहब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने हैं, 2 हैं, तो ऑर्डर भी कितना होगा इसका, 2 होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसका है, ये जो क्वेश्चन गया है आपका, ये है लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन, लेबनीज थ्योरम से ये सॉल्व होगा, तो लेबनीज थ्योरम कैसे सॉल्व होती है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लेबनीज थ्योरम कैसे सॉल्व होगी, ओके तो देखिए सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बता देता हूँ, लेबनीज जो थ्योरम होती है कैसे यूज़ होती है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन आपके पास इस तरीके का दिया हुआ है कि d/dx ऑफ इंटीग्रेशन में है, सॉरी इंटीग्रेशन में है, कितना है
एक लिमिट है आपके पास में, ये एक्चुअली जो होती है लिमिट एक्स की होती है ना, तो आपके पास लिमिट दी गई है जी टू एक्स और नीचे लिमिट आपकी दी गई है जी वन एक्स। ओके, और यहाँ पे है आपके पास में कितना डी वाई डी एक्स है, और यहाँ पे है एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। ठीक, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को जो है हल्का सा गलत लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी डी एक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे भी डी एक्स बैठा हुआ है, तब तो ये लेबनीज इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि लेबनीज तब लगता है जब दो अलग अलग वेरिएबल होते। तो यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, डी एक्स से डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और मतलब कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, केवल आपके पास कितना बन गया एफ ऑफ साइन टू एक्स है ना। तो एफ ऑफ साइन टू एक्स में अपर लिमिट में आपके पास कितना आएगा, एफ ऑफ साइन टू ए हो जाएगा ये। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से इसमें कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, अगला क्वेश्चन टेन एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इसको ओपन कर देंगे सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। ओके, और साथ में प्लस एक्स भी आएगा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा, उसका प्लस एक्स भी आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं आप, इफ़ वाई इज इक्वल टू लॉग सेक ई एक्स की पावर एक्स एक्स स्क्वायर है, तो आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर दीजिए, तो सेक ई एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, और फिर सेक ई एक्स स्क्वायर का सेक ई एक्स स्क्वायर टेन ई एक्स स्क्वायर, फिर ई एक्स स्क्वायर उसका टू एक्स हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, आपके पास जो बच गया वो ये है, और ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो भाई साहब, ई से लॉग कैंसिल साइन इनवर्स एक्स, ई से लॉग कैंसिल कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस, ये दो लाइन है आपके पास में है ना, तो इन लाइनों का इंटरसेक्शन, तो बेस्ट तरीका है क्या, आप जो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आप इनको पुट करके देख लो, अब चारों में से जो सेटिस्फाई कर रहा होगा ना वही इसका आंसर होगा, तो बेटर है। अब बाकी आप सॉल्व करोगे तो इसमें लैम्डा म्यू लेके सॉल्व करोगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो अच्छे से कैसे कर सकते हो आप बिना कुछ करे, आप इसको सीधे पुट करके देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुट करके देखिए, जो सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बताया था मैंने, ए एंड बी बार, ए बी नॉट इंडिपेंडेंट होता है, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होता है, ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई जरूरी नहीं है, द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये वाली बात तो लगेगी और ये भी लगेगी, तो करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस, चलिए तो इसको कैसे करोगे, या तो आप इसको पूरे मेथड से जा सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि पहले ये देख लो कि ये किस कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा हो उसके बाद भी ना हो तो देखना कि अगर कोई प्लेन है और उसके अंदर ये लाइन रखी हुई है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने दिख रहे हैं, माइनस थ्री टू और वन, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो जो ये जो प्लेन लाइन होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसके कंडीशन क्या लग जाएगी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू कितना जीरो। ओके, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, क्योंकि इसके प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कुछ ना कुछ तो आएंगे ना, क्या आएंगे चार ऑप्शन में, ए बी सी, और इसके डायरेक्शन रेशियो तो अपन को गिवन है, तो बस कंडीशन ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो लगा के सॉल्व कर लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, आपसे बोला गया है कि पी ए बार पी बी बार, तो आपको पता होगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में होता है, पी ए बार मल्टीप्लाई बाई पी बी बार। ओके, तो सॉल्व कर लीजिए, पी ए कितना है थ्री बाई फाइव, तो पी ए बार कितना हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई फाइव, दैट इज इक्वल टू टू बाई फाइव, और पी बी कितना अपने पास में, पी बी दिया है फोर बाई नाइन, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस फोर बाई नाइन, दैट इज इक्वल टू फाइव बाई नाइन, टू फाइव जै टेन,
और 5 9 45, 5 से काट दीजिए 2 बार 9 बार, आंसर कितना हो जाएगा 2/9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ओके, इसको आपको घर से करके लेके आना है। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब बायस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है ना, एंड एक्स डिनोट्स द नंबर अपीयरिंग ऑन इट हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब आपको बताना है कि इफ वेर क्रेड केस ग्रेटर देन 0 देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी एक्स इक्वल टू 3 निकालना है आपको, फिर बी पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 निकालना है, फिर एक्स इक्वल टू 4 निकालना है, और फिर आपको निकालना है पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 5। और फिर जब ये सब कुछ आ जाए तो आपको ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से दिखाना है कि करेक्ट कौन सी चीज़ है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो k/2 है ना, और मतलब आंसर आपका सबसे पहले देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप सबको जोड़ करके टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करके k की वैल्यू निकाल लो। तो k+k/2+2k² इतना 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 k/2=1, ओके, इससे आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, इससे आपकी के की क्या आ जाएगी, वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी के की। अब देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई साहब, 2k है, ओके। फिर x इक्वल टू 4 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8k² है। फिर x लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू में दो केसेस आएंगे, एक x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी का, एक x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी का। तो x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी, ओके। फिर x इक्वल टू 5 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1-5k, और x इक्वल टू 1 पर कितनी k, तो k+1-5k, ये आ गई। और फिर x ग्रेटर देन 5 पर कौन सी प्रोबेबिलिटी हैं, दो हैं, एक 5 वाली और एक 6 वाली। तो इन प्रोबेबिलिटीज़ को आप सम कर लेंगे और बाद में आप चेक कर लीजिए कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी आ रही है सबसे ज़्यादा, ओके। और आपको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, देखो इसलिए निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, एक आंसर जो आएगा वो के स्क्वायर के टर्म में आएगा। अगर सारे के टर्म में होते तो हम पता भी कर लेते, बट एक ऑप्शन आपका के स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये भी आपका होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन। इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, देन इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, देन बताइए क्या होगा। अरे यार कितना मतलब चिंदी क्वेश्चन है भाई साहब, पेरीमीटर पूछी गई है, पेरीमीटर क्या होगी, कोई दिक्कत है ही है ना। पेरीमीटर कितनी होगी थी, पेरीमीटर इक्वल टू 2x+2y होती है। सो ये भी इसको आप भी अब होमवर्क समझ लो, मैंने हालांकि बता ही दिया, फिर भी कर लेना इसको क्वेश्चन को। चलो अगला, ओके, अगले में क्या बोला गया, लेंथ और ब्रेथ अगर आपको x और y दे दी गई है तो आपको इसका एरिया एक्सप्रेस करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी होमवर्क करके ले आइए, ओके, एज अ होमवर्क इसको भी आप करिए। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम इज मैक्सिमम। तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मतलब लगातार क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यहाँ पर पूछे गए हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC इज, ओके, तीन पॉइंट है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं तीन पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन बताना है आपको। तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, x-x1 x-x2 x-x3, ठीक है ना। फिर इसके बाद x2-x1, यहाँ पे y था, y-y1 z-z1 z-z1 x2-x1 y2-y1 z2-z1 एंड x3-x1 y3-y1 एंड z3-z1 इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, डन। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल टू द ग्राउंड इज, तो ये भी आपका होमवर्क है, करके लाइए इस क्वेश्चन को भी। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन भी आपको मैं एज अ होमवर्क दूंगा, इसको भी कीजिए, ओके। द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC भी आप निकाल सकते हैं, 1/2, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है,
ए बी वैक्टर बनाइए और ए सी वैक्टर बनाइए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लीजिए, ये सिंपल फार्मूला इसमें लग जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके सो नाउ गाइज, डन हो चुकी हमारी पूरी शीट, हमने सॉल्व कर ली है और आप देखिए कि कितने सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आउट ऑफ 200 का जो पेपर होता है CUET का, ओके, जिसमें आपको 15 प्लस 25 की स्कीम का काम करना पड़ता है, 40 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं टोटल, तो 40 में आपको 15 प्लस 25 करके आना है, मतलब पहले पार्ट के तो ये कंपलसरी होते हैं, सेकंड पार्ट में आउट ऑफ आपको 25 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आप 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, ठीक है ना, अगर उसमें आप 180 लेकर के आ रहे हैं तो आपका 100% मैथ्स के केस में बनेगा, 100%। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की क्लास और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ओके, जुड़े रहिए, लेक्चर देखते जाइए, तैयारी अपनी करते जाइए। धन्यवाद।